हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं चटनी हराम है चैनल से मथीरा डिस्ट्रॉयड बाय रियल रोस्टर्स। ओके, तो आज हम लोग फिर से मथीरा एंड बरकत उज़्ज़मी का एपिसोड देखने वाले हैं, मतलब उनके कुछ फनी सैवेज मोमेंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। गर्मियों में मोहब्बत भी अलग होती है शौहरों की। सर्दियों में जब शौहर कहता है ना बीवी को आई लव यू, बीवी कहती अभी नहीं, जाओ 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 जाके पहले गीजर ठीक करवाओ। समझ रहे हो क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों की मोहब्बत होती है, जब गर्मियों में शौहर कहता है ना बीवी को आई लव यू, बीवी कहती चुपचाप सो जाओ, टंकी में पानी नहीं है। अच्छा, हेलो एंड सलाम अलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं OMG बाय मथीरा। बात है यार, कौन ना पागल हो जाए। हम बोलते हैं कि केले सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। बहुत चंगा है ना, चंगा ना मैं। और केले में केले खाना भी अच्छा होता है। तो आप पहले किसकी बात कर रही थी? सो यस, अच्छा हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बड़े अच्छे हैं, मुझे हमेशा स्पीचलेस छोड़ देते हैं। देखते हैं वो मुझे किस तरह छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, क्या करेंगे। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। ये क्या है? नहीं, और नहीं। मैं हमेशा आपके लिए कहता हूँ कि ऊपर वाला आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करे। ना जायज क्या होती है? चलो मैं दिल से मेरी दुआ के ऊपर वाला आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करे, बस अगर आप मेरी एक नाजायज ख्वाहिश पूरी करें तो। एकदम राइमिंग बोले हैं भैया जी। आप यकीन करें मैं जो सोच गया था क्या बोलना है, मैं एकदम सुन हो चुका हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ, ये आया तो बड़ा शेर बनकर, थोड़ा थोड़ा करने के बाद अब इसकी टांगे भी ऊपर हो गई। और थोड़ी देर बाद में आधे शो में तकिया यहाँ रखूंगा। नहीं पता, देखिए बात पता है कि आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तकिया यहीं रखिएगा, मुंह पे नहीं रखूंगा। जी जी, मुंह पे नहीं रखूंगा। Hey, y'all come look at this. मुंह पे तो मेरे ख्याल में आप शायद रख लेने। आपसे मुझे पॉजिटिविटी की वाइब आती है। वाइब? नहीं, क्या बोला तूने? आपसे मुझे पॉजिटिविटी की वाइब आती है सर, वाइब वाइफ नहीं। नहीं, वाइब होती है, वाइफ नहीं आती। मेरे लिए तो वाइफ है। मौका दे तब करेंगे। गुड बाय, गया। जो ये डायरेक्टर जो हॉरर मूवीज बनाते हैं, जितने भी डायरेक्टर जो हॉरर मूवीज बनाते हैं पुरानी फिल्में, दरवाजों में कहीं नहीं लगाते। सारे दरवाजे ऐसे खुलेंगे, हर दरवाजों में आवाज आती है। वो पैर कहीं और लगाते हैं ना। भाई बंदी को सब पता है। आखिरी दफा आपने परफॉर्मेंस कहाँ दी थी, कब? ये तो भाभी बताएंगे। अच्छा, मुझे याद है मथुरा ने एक बार टी शर्ट पहनी हुई थी, इनकी टी शर्ट पर एरोप्लेन बना हुआ था ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं एरोप्लेन को देखे जा रहा हूँ। मुझे मथीरा करी, बरकत तुमने कभी एरोप्लेन नहीं देखा? मैंने कहा एरोप्लेन तो देखा लेकिन ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा। अगर तुम किसी एक्ट्रेस एक दिन के लिए बन जाओ, वो कौन होगी और क्या करोगे? मैं सनी लियोन बनूंगा। एक दिन में अमीर हो जाऊंगा। And modern problems require modern solutions. This is too modern. नहीं, आपको शादी करनी चाहिए, आप शादी करें, आपको तो एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। ऐसा हस्बैंड हो जो गुंगा हो, जो बहरा हो, जो अंधा हो, जो उसको कुछ ना पता हो, सिर्फ हार्ट से पहचान आ गई। अच्छा यार, क्या सोच है रे तेरी? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। देखो, मोहब्बत होगी, शौहर होगा, मोहब्बत होगी, सर्दियों गर्मियां निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गर्मियों में मोहब्बत भी अलग होती है शौहरों की। सर्दियों में जब शौहर कहता है ना बीवी को आई लव यू, बीवी कहती अभी नहीं, जाओ 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 जाके पहले गीजर ठीक करवाओ। समझ रहे हो क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों की मोहब्बत होती है, जब गर्मियों में शौहर कहता है ना बीवी को आई लव यू, बीवी कहती चुपचाप सो जाओ, टंकी में पानी नहीं है। अच्छा, शादीशुदा या सिंगल लाइफ? बिटवीन लाइफ।
मतलब ये है कि ना शादी हो, सिंगल हो लेकिन शादीशुदा के मजे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की पोस्ट जो है ना वो उस ख्वाजा सरा की तरह होती है जो काफी देर तक तैयार होकर रोड पे खड़ा होता है, लोग उसे मुस्कुरा कर देख कर चले जाते हैं। हंसता है कैसा बड़वा, कैसा हंसता है बड़वा, नहीं है फेसबुक पे, फेसबुक के हवाले से बात। हंसने के लिए हम तो बहुत चीजों के लिए तरसी है, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आप हमारे, फंस गए जैसे होते कुछ और हैं, पैटर्न कुछ और करते हैं स्क्रीन पे। लाइक नेम वन पर्सन, नहीं वन पर्सन नहीं, वो आपको भी पता होगा हमें भी पता ही है। okay. तो कहने का मकसद है अवाम की नफ्सियात से ना खेलो, जो अंदर से वही बाहर रहो। अवाम की नफ्सियात से ना खेलो, लेकिन अवाम भी वो है ना, कुछ शराब का ग्लास पकड़े हुई होगी, कोक वाले को बोल रही होगी देखो देखो क्या पी रहा है। इससे ज्यादा हंसी मजाक, क्योंकि वो बातें जो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते वो ऑफ एयर तो कर सकते। वाओ ग्रेट, अभी और क्या बातें रही गई थी, उसमें तो मजा आता, तुम्हें तो पता होगा। क्यों पता होगा भाई, मेरी मोहब्बत का सिलसिला ये है कि ना कोई शायस्ता ना कोई अंबर, ना कोई शायस्ता ना कोई अंबर, ना कोई रब्ता ना कोई नंबर। क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं यही होंगे, इंग्लिश में यही करते हैं ट्रांसलेट। तो तुम किस में? मैं उर्दू में करता हूँ, मैं किस में तो बहुत करता हूँ लेकिन उर्दू में ज्यादा करता हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। खैर वैसे तुम लोग ने स्ट्रगल किया है अभी तक कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं कंट्रोल। ओ बहुत, किसी लड़की के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में, काम के चक्कर में नहीं, लड़की के चक्कर में तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? लड़के पसंद है ऐसे, ए हन्नो है एदी ना मां ना प्यो एक खुसरा। ये बताओ, वेरी डिस्गस्टिंग फ्रेज। और ये बताओ अगर निकाह के टाइम पे गवाह ना मिले तो वतन की मिट्टी गवाह रह सकती है? मस्त जोक मारा क्या, हंस रहे हम कटता। और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि प्यार हुआ, प्यार हुआ, इकरार हुआ, 9 महीने बाद इकरार हुआ। आहा बहुत चंगा ना। मैं आपको किस तरह की दावतें पसंद? मैं दावत तो मुझे, मैं जाती नहीं हूं, जाती नहीं हूं, घर में अरेंजमेंट कर, घर में होता। और मैं कहता हूं आप चाहते हैं ना आपके रिश्तेदार आपसे खुश रहे तो आप हमेशा परेशान रहा कर। सही बात है, ये बहुत सही बात है उनके सामने। हाँ। और मैं कहता दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार आपके मामले में आता। बिल्कुल। वो टांग और कुत्ते की पूंछ एक बराबर है। गुड बाय। कभी सीधी नहीं हो सकती भाई साहब। ये बात तो बहुत सही कही बरकतदेव। दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, हड्डियों का सर्जन हो, कोई भी हो, लेकिन वो वाली टांग बिल्कुल नहीं सही कर सकता है जो हर एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार के मामले में अड़ाना चाहता है ना। एक वो रिश्तेदार की टांग है, दूसरी उनकी नाक है, ठीक है, और एक कुत्ते की पूंछ है और जलेबी है, इनसे ज़्यादा सीधा तो कोई होता ही नहीं। सीरियसली। और जैसा कि शुरुआत में मदीरा ने बोला ना कि हाँ ये दोनों मुझे बिल्कुल स्पीचलेस छोड़ देते हैं, तो वो वाकई स्पीचलेस ही छोड़ा है ना, पकड़ा तो कुछ भी नहीं लेकिन छोड़ दिया स्पीचलेस। सो अच्छा तो आप लोगों को नहीं लगता यार मथीरा कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो गई है? नहीं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस जब मैंने उसे एक मीम में देखा था और वाले में और ठीक है, तो उसमें वो ज़्यादा पतली सी थी, बिल्कुल पतली दुबली सी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। खैर यार कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा होता है ना, कोई कैसा भी हो सकता है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।